दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हो। अगर आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हो तो आपके पैन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। सो अगर आप अभी तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन करके रखा है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा ई फिलिंग। जैसे आप ई फिलिंग सर्च करोगे आपको नीचे में फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इनकम टैक्स का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक योर पैन विथ आधार और नीचे में ये भी लिखा हुआ है कि इसे आपको 1 अप्रैल 2023 से पहले करना है। अगर आप 1 अप्रैल 2023 से पहले नहीं करते हो तो आपके पैन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको थोड़ा सा नीचे जाना होगा। नीचे में दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वेरीफाई योर पैन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप लोग वेरीफाई योर पैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। उसके बाद आपको नीचे में एक पैन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना होगा। चलिए मैं यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको नीचे में फुल नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपके पैन कार्ड में आपका जो भी नेम रहेगा आपको उस नाम को डाल देना होगा। चलिए मैं यहाँ पे अपना नाम भी डाल देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डेट ऑफ बर्थ, तो नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मोबाइल नंबर का, तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी डाल देना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको टोटल 4 ऑप्शन को फिल करने होंगे। पहला पैन कार्ड का है, तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको फुल नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपके पैन कार्ड में जो भी आपका नाम है आपको यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा जो कि आपके पैन कार्ड में रहेगा, और नीचे में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना होगा। इतना करने के बाद आपको नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके नंबर में एक OTP आएगा जिसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा। OTP को डालने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वैलिडेट का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा कि अभी आपका पैन कार्ड एक्टिव है या फिर नहीं। तो मेरा पैन कार्ड अभी एक्टिव है, तो पहले आपको ये चेक कर लेना होगा। उसके बाद आपको नीचे में गो टू होम पेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप फिर से होम पेज में पहुँच जाओगे तो आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लिंक आधार स्टेटस, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना होगा। चलिए मैं पैन कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे में आधार नंबर डाल देना होगा। चलिए मैं अपना आधार नंबर भी डाल देता हूँ। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा व्यू लिंक आधार स्टेटस, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि मेरा जो पैन कार्ड है वो मेरे आधार कार्ड से ऑलरेडी लिंक है, तो मुझे दोस्तों अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं रहता है तो आपको करवाना जरूरी है। तो यहाँ पे चलो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से बैक आ जाता हूँ। देखो दोस्तों जिन लोगों का पैन कार्ड आधार कार्ड से ऑलरेडी लिंक है उन लोगों को लिंक कराने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लिंक आधार का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना होगा, नीचे में आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और 1000 रुपये पे करने होंगे, फिर आपका जो पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। उससे पहले आप लोगों को नोट करके यहाँ पे कुछ दिया हुआ है तो आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना होगा, या फिर आप अपने नजदीकी के कोई भी लोक सेवा केंद्र में जाके अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हो। जिनका लिंक नहीं हुआ है वो लोग लिंक करवा सकते हो या फिर खुद कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको 1000 पे करने ही पड़ेंगे।